हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू नॉर्थ इंडियन किचन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं डिलीशियस क्रिस्पी कॉर्न, बनाने जा रहे हैं चाइनीज स्टाइल में हम कॉर्न बनाने जा रहे हैं। चलिए प्रेपरेशन रेडी करते हैं। आपको बताती रहूंगी टिप्स वाइज ये हमें क्रिस्पी कॉर्न कैसे बनानी है। प्रेपरेशन करते हैं। ये मैंने 1 कटोरी कॉर्न ली है, मैंने 3 स्पून अनियन लिया है, ये मैंने कोरिएंडर के डंडल्स लिए हैं, स्प्रिंकल अनियंस लिए हैं, ये स्प्रिंकल अनियंस के बबल्स लिए हैं, ये कैप्सिकम लिया है 1/3 कप, ग्रीन चिली लिए मैंने, गार्लिक और जिंजर लिए चॉप्ड, और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स लिए हैं। चलिए प्रेपरेशन करते हैं। फर्स्ट प्रेपरेशन है हमारी कॉर्न को बॉयल करना। चलिए लेट्स गो। हमारा फर्स्ट स्टेप है कॉर्न को बॉयल करना। अब हम ऐड करेंगे वाटर अपने पैन में। 1 कटोरी कॉर्न लिए, हम इसको बॉईल कर लेते हैं अपना। हम कॉर्न को अच्छी तरह बॉईल होने देते हैं। ये डिलीशियस क्रिस्पी कॉर्न ये स्वीट स्पाइसी टैंगी फ्लेवर में बनते हैं। गाइस ये देखिए हमारे कॉर्न बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं अपने। हम अपनी कॉर्न निकाल लेते हैं इसमें। गाइस हमने अपने कॉर्न डाल दिए, इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर हम अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं इसमें। सॉल्ट ऐड कर लेंगे 1 स्पून, ब्लैक पेपर ऐड कर लें 1 स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे हम इसमें, टू स्पून मैदा डाल देंगे हम इसमें, 2-3 स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे हम, इसको सॉफ्ट एंड से मिक्स करेंगे। हमें ये 3 या 4 टाइम्स हमें ये रिपीट करना है। इससे ही हमारा, जब हमारी कोटिंग अच्छी होगी कॉर्नफ्लोर और मैदे की, उससे ही हमारे क्रिस्पी कॉर्न बनेंगे। वाटर स्प्रिंकल कर लेंगे हम, 1 स्पून मैदा, 1 स्पून कॉर्नफ्लोर, फिर हम इसको मिक्स करेंगे, फिर हम वाटर स्प्रिंकल करेंगे, फिर हम रिपीट करेंगे 1 स्पून मैदा, 1 स्पून कॉर्नफ्लोर। हमें ये स्टेप अच्छी तरह करना है ताकि हमारे कॉर्न क्रिस्पी बने। अगर हमारे स्टेप ये वाला अच्छा नहीं करोगे तो फिर हमारे कॉर्न क्रिस्पी नहीं बनेंगे, डिलीशियस नहीं बनेंगे। अब हम अपना जो बैटर रेडी किया है हमने कॉर्न वाला, अब इसको छान लेते हैं। जो हमारा कॉर्नफ्लोर और मैदा एक्स्ट्रा होगा हम बाहर निकाल लेते हैं हम इसको छान के। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं अपने क्रिस्पी कॉर्न को। अपना कढ़ाई गैस पे रख दिए, अब हम ऑयल ऐड करते हैं। हम अपने कॉर्न को फ्राई कर लेते हैं फिर, ताकि और क्रिस्पी हो जाएंगे हमारे। आप इसको और भी स्टाइल में बना सकते हैं। आप इसमें मिक्स हर्ब्स डाल सकते हैं, ड्राई स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, टैंगी फ्लेवर थोड़ा सा बना सकते हैं, स्पाइसी कॉर्न बना सकते हैं। गाइस देखते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। अभी हमारा ऑयल गर्म नहीं हुआ अच्छी तरह। गाइस हम अपने फ्राई कर लेते हैं कॉर्न। इसको हाई फ्लेम पे ही हमें पकाएंगे अपना। हमें अपने कॉर्न को ध्यान से फ्राई करना है ताकि हमें ये उछल, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर होता है ताकि उछल के बाहर ना आए और आपको हार्म कोई ना हो, कोई इंसिडेंस भी हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा बी केयरफुली हमें फ्राई करना है। ये देखिए गाइस हमारे कॉर्न क्रिस्पी बन चुके हैं। ये देखिए इनकी लुक कितनी घुट गई है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। गाइस अब हम अपने कॉर्न निकाल लेते हैं।
हमने अपने क्रिस्पी कॉर्न को बाहर निकाल लिए। अगर आपकी कोटिंग अच्छी होगी, मैं बार बार ये वाला स्टेप रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी कोटिंग कॉर्नफ्लावर और मैदे की कोटिंग अच्छी होगी तभी हमारे कॉर्न क्रिस्पी बनेंगे। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए गाइस, मैंने अपने बाउल में अपने क्रिस्पी कॉर्न निकाल लिए। प्लीज आप इस स्टेप को ध्यान से करिएगा, फिर आप बोलोगे शेफ रोशन ने बताया नहीं था, नॉर्थ इंडियन किचन वालों ने बताया नहीं था हमें, तो हमने इसलिए इसको बार बार ये वाला स्टेप रिपीट किया ताकि आप अच्छे से अपनी रेसिपी बना सके और टैंगी फ्लेवर आ सके। गाइस अब हमने अपना पैन गैस पे रख दिया, अब हम इसको स्पाइसी स्वीट टैंगी फ्लेवर बनाएंगे। हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, मैंने 2 स्पून ऑयल लिया है। हमने 3 स्पून अनियन लिए है, चॉप्ड गार्लिक और जिंजर लिया। इसको हम अच्छी तरह स्टर कर लेते हैं अपने अनियन गार्लिक जिंजर को। ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको 2-3 मिनट हम स्टर करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, व्हाइट अनियन बबल्स डाल देंगे हम। 2-3 मिनट्स हम स्टेयर कर लेते हैं अपने व्हाइट अनियन बबल्स को और कैप्सिकम को, जिसको हम स्प्रिंग अनियंस कहते हैं और हिंदी में भूखे प्याज कहते हैं। अच्छी तरह स्टेयर करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ताकि हमारी वेजिटेबल क्रिस्पी हो जाए, क्रिस्पी और क्रंची होनी चाहिए वेजिटेबल्स हमारी। तो हम 2-3 मिनट स्टेयर होने देते हैं। कोरिएंडर के डंडल्स डाल देंगे। गाइस ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह स्टेयर हो चुका है, अब हम इसमें सॉसेस ऐड कर लेते हैं अपनी। 1 स्पून सेजवान सॉस, 1 स्पून टमाटो सॉस, 1 स्पून स्वीट स्पाइसी सॉस, 1 स्पून सोया सॉस, फिर स्प्रिंकल अनियंस डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अपनी सॉसेस को, इससे हमारा फ्लेवर स्पाइसी स्वीट टैंगी आएगा। व्हाइट पेपर 1 स्पून, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर, 1 स्पून सॉल्ट, सोया सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, स्प्लिट ग्रीन चिली के डाल देंगे हम। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। पिंच सी चीनी डालेंगे। बात बोलना चाहूंगी, आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा स्पाइसी कम बनाइए, आप टोमेटो केचप ऐड कर सकते हैं। आप अपने कॉर्न ऐड कर लेते हैं। ये देखिए गाइस हम कॉर्न ऐड करने लगे हैं। ये देखिए गाइस हमारे क्रिस्पी कॉर्न प्रिपेयर हो चुके हैं। ये देखिए हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और इसका कलर कितना अच्छा है, लुक कितनी अच्छी आई है इसकी। 2-3 मिनट इसको प्रिपेयर होने के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे, ताकि हम अंदर तक इसका फ्लेवर आ जाए सारे स्पाइसेस का और सॉसेस का। चलिए इसको पकने देते हैं फॉर 2-3 मिनट। हम कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं गाइस। गाइस हमारे क्रिस्पी कॉर्न प्रिपेयर हो चुके हैं, चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गाइस अब हम प्लेटिंग कर देते हैं अपने कॉर्न की। हमारी क्रिस्पी कॉर्न कितनी अच्छी लुक का ही है और ये देखिए देखने में कितने क्रिस्पी हैं। इसको सर्व करेंगे अपने लेमन के साथ और अपने अनियन के जो स्लाइसेस किए हैं हमने लच्छे, उसके साथ हम इसको बनाएंगे और उसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे अपने स्प्रिंकल्स की। गाइस ये देखिए हमारी क्रिस्पी कॉर्न प्रिपेयर हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए और अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।